नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। लेट स्कूल पहुंचने वाले बच्चियों की एस सिद्धार्थ ने लगा दी क्लास। बिहार में उद्योग मंत्री से कई बड़े उद्योगपतियों ने की मुलाकात। बिहार के विभोर कुमार को अदम्य प्रदर्शन के लिए राष्ट्रपति ने शौर्य चक्र से किया सम्मानित। अब किसानों को कम ब्याज पर मिलेगा कृषि ऋण। हार्दिक पांड्या ने बेटे के साथ मनाया जश्न। नताशा के नहीं रहने पर यूजर्स ने पूछे सवाल। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। लेट स्कूल पहुंचने वाली बच्चियों के एस सिद्धार्थ ने लगा दी क्लास। बारिश के मौसम में भी सुरक्षा कर्मी और बड़े अधिकारियों के बिना है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव IAS एस सिद्धार्थ प्रदेश में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते नजर आ रहे हैं। लगातार वे किसी भी स्कूल में बिना कोई सूचना दिए औचक निरीक्षण के लिए पहुँच जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने पटना जू के पास देर से स्कूल जाने वाली बच्चियों की क्लास ले ली। एक ऑटो में कुछ छात्राएं उतर ही रही थी कि एस सिद्धार्थ ने उनके पास पहुंच गए। उन्होंने पूछा कि कितने बजे स्कूल है। इस पर बच्चियों ने कहा 9 बजे। इस पर एस सिद्धार्थ ने पूछ लिया कितना समय हो रहा है। इस पर बच्चियों ने जवाब दिया 10 बज रहे हैं। बच्चियों के लेट होने पर एस सिद्धार्थ ने ऑटो वाले से भी सवाल किया कि इतना लेट लेकर क्यों आ रहे हो। इस पर ड्राइवर ने भी कहा लेट हो गया है। एस सिद्धार्थ के सादगी भरे जीवन और आम लोगों से जुड़ने की अंदाज को देखकर लोग भी उनकी सराहना कर रहे हैं। स्पॉट राउंड का नामांकन समाप्त। अब अपने स्तर से नामांकन देगा पटना विश्वविद्यालय। स्पॉट राउंड का नामांकन पटना विश्वविद्यालय में शुक्रवार को ही समाप्त हो गया है। अब कॉलेज बचे हुए सीटों पर अपने स्तर से नामांकन प्रक्रिया शुरू करेगा। 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम सत्र 2024-28 और वोकेशनल कोर्स सत्र 2024-27 के लिए मेधा सूची जारी की जा चुकी है, जिसके मुताबिक अब तक कुल 3,223 बच्चों ने दाखिला लिया है। पहले, दूसरे, तीसरे और स्पॉट राउंड में कुल 2,796 बच्चों का चयन हुआ है। वहीं 427 बच्चों का नामांकन वोकेशनल कोर्स के लिए हुआ है। इसके अलावा नियमित कोर्स में सबसे ज्यादा नामांकन मगध महिला कॉलेज में छात्राओं ने लिया है, जिसकी संख्या 719 है। बिहार में उद्योग मंत्री से कई बड़े उद्योगपतियों ने की मुलाकात। कई बड़े उद्योगपतियों ने बिहार में उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा से मुलाकात की है। बिहार में ब्रिटानिया द्वारा संचालित इकाई और आगामी कार्य योजना के संबंध में ललित सिंह मांगलिया ने मुलाकात कर जानकारी दी है। ये ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के महाप्रबंधक हैं। मुलाकात के दौरान भेटा में ब्रिटानिया द्वारा स्थापित इकाई को लेकर विस्तृत चर्चा देखने को मिली। इसके अलावा उद्योग मंत्री से एशिया के सबसे बड़े रेटेड 4 डेटा सेंटर कंट्रोल एस डेटा सेंटर्स लिमिटेड की टीम ने भी मुलाकात की है। कोरोना में कारोबार डैमेज और खराब हुए सिविल से छोटे कारोबारियों को नहीं मिल रहा लोन। कोरोना के दौरान कई छोटे कारोबारियों की स्थिति दयनीय हुई है। कोरोना में लगे लॉकडाउन से कारोबारियों के कारोबार ठप हुए हैं। बड़े कारोबारियों ने तो जैसे तैसे खुद को संभाला, लेकिन छोटे कारोबारी अभी भी लोन की किस्त समय पर अदा नहीं कर पाने की सजा भुगत रहे हैं। एक तरफ वे लोन की किस्त से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सिविल स्कोर खराब होने की वजह से उन्हें समय पर लोन नहीं मिल पा रहा है। लोन नहीं मिल पाने के कारण वो दोबारा सही तरीके से अपने कारोबार को खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स बिहार और राज्य व्यावसायिक संघ के मुताबिक खराब सिविल स्कोर वाले कारोबारियों की संख्या प्रदेश में 15 से 20 लाख के बीच के करीब में है। बिहार के विभोर कुमार को अदम्य प्रदर्शन के लिए राष्ट्रपति ने शौर्य चक्र से किया सम्मानित। बिहार के कैमूर के रहने वाले विभोर कुमार सिंह को राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान उन्हें औरंगाबाद के जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता और अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए दिया गया है। इस दौरान उन्होंने अपने दोनों पैर भी गंवा दिए। विभोर का बायां पैर एक IED विस्फोट से क्षतिग्रस्त होकर कट गया था। इसके बाद भी उन्होंने सहनशीलता का संकल्प लेते हुए अपनी इच्छा शक्ति से नक्सलवादियों को पराजित किया। अब किसानों को कम ब्याज पर मिलेगा कृषि ऋण। कृषि विभाग व नाबार्ड के अधिकारियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया, जिससे किसानों को कम ब्याज पर कृषि ऋण लेना आसान हो गया है। इस संबंध में मंगल पांडे ने कहा है कि भारत सरकार द्वारा कृषि ऋण पर 3% ब्याज अनुदान के अतिरिक्त राज्य योजना मद से 1% ब्याज अनुदान दे है। मिली जानकारी के मुताबिक 1% की दर से बैंकों से 3 लाख रुपये तक फसल ऋण या किसान क्रेडिट कार्ड ऋण या अल्पावधि कृषि उत्पादन ऋण देने का प्रावधान है। जो निर्धारित अवधि में ऋण वापस करेंगे उन्हीं किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
प्रदेश में नहीं थम रहा पुल के क्षतिग्रस्त होने का सिलसिला। बिहार में लगातार पुल गिरने की खबर सामने आ रही है। एक बार फिर से खबर आई है कि पटना के मसौरी प्रखंड के शाहबाद पंचायत में डोरी पर और गोविंदचक गांव के बीच बनी पुल धंस गई। ये पुल करीब 20 साल पुरानी थी, जो मानसून के मूसलाधार बारिश को झेल नहीं पाई। इस पुल के कारण इस मार्ग पर नव मरम्मत सड़क का एक हिस्सा भी धंस गया। सड़क और पुल के धंसने से इस सड़क पर वाहनों का आवागमन बाधित हो चुका है। ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारी को इस मामले की सूचना मिलते ही उन्होंने मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया है। नीट पेपर लीक मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। जांच में हो सकते हैं कई खुलासे। झारखंड के धनबाद स्थित झरिया से एक अन्य आरोपी अमित कुमार सिंह उर्फ बंटी को सीबीआई की जांच टीम ने नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए बंटी के घर की तलाशी के दौरान 4 से 5 मोबाइल फोन, करीब आधा दर्जन बैंक खाता, जमीन और गाड़ी के कागजात बरामद किए गए हैं। बंटी से संबंधित चीजों की जांच चल रही है। वहीं दूसरी तरफ धनबाद से सीबीआई ने पेपर लीक कांड में मास्टरमाइंड अमन सिंह को भी गिरफ्तार किया है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक बंटी को स्थानीय न्यायालय में पेश करने के बाद रिमांड पर पटना लाया जा सकता है। हालांकि इस मामले को लेकर सीबीआई ने अधिकृत तौर पर कोई जवाब नहीं दिया है। बिहार में गिरे 12 में से 3 पुल किस विभाग के हैं, सरकार को भी नहीं है जानकारी। बिहार में महज 15 दिनों में ही 10 से ज्यादा पुल गिरने की खबर सामने आई है। पुल की गुणवत्ता अच्छी नहीं होने के कारण पुल क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। पुल के निर्माण में लगे अधिकारी, ठेकेदार और कंस्ट्रक्शन कंपनियों द्वारा गुणवत्ता में समझौता करने के कारण नीतीश सरकार सभी पर नकेल कस रही है। 18 जून से अब तक प्रदेश में करीब 12 पुल गिरे हैं, लेकिन सरकार के मुताबिक 9 पुल गिरे हैं, जिसमें जल संसाधन विभाग के 6 पुल और ग्रामीण कार्य विभाग के 3 पुल शामिल हैं। लेकिन बाकी के 3 पुल किस विभाग के हैं, इसका पता अभी तक सरकार को भी नहीं लग पाया है। 3 पुल किस विभाग के हैं, इसका पता लगाया जा रहा है। मामला का पता चलते ही 3 पुल गिरने के मामले पर भी कार्रवाई होगी। आसमान छू रहे हरी सब्जियों के दाम। इस बार मानसूनी बारिश के शुरू होते ही प्रदेश में सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी होने लगी है। सब्जियों के बढ़ते दाम की मार सबसे ज्यादा आम लोगों पर पड़ रही है। सब्जियों के दाम पहले के मुकाबले करीब 1.5 से 2 गुना तक महंगे हो गए हैं। सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी के कारण मिडिल क्लास परिवार का बजट बिगड़ गया है। महज एक महीने में धनिया पत्ते की कीमत 50 रुपये से 160 रुपये प्रति किलो हो चुकी है। वहीं अदरक, शिमला मिर्च और अन्य सब्जियों के दाम में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि बारिश के कारण सब्जी के गलने और सड़ने से इस दौरान अक्सर सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। जदयू प्रत्याशी के पक्ष में वोट अपील करने रुपौली पहुंचे सीएम नीतीश। पूर्णिया के रुपौली में होने वाले उपचुनाव को लेकर आज सुबह सीएम नीतीश रुपौली पहुंचे हैं। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रुपौली में उन्होंने एनडीए के पक्ष में जदयू प्रत्याशी कलाधर मंडल के लिए लोगों से वोट अपील की है। सीएम नीतीश ने इस दौरान एक होटल में पार्टी के बड़े नेताओं के साथ रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर बातचीत भी की। सीएम नीतीश के चुनावी जनसभा के साथ ही पार्टी कार्यकर्ता भी लगातार कैंप कर रहे हैं। आपको बता दें कि जदयू प्रत्याशी के विरुद्ध राजद प्रत्याशी बीमा भारती चुनाव लड़ रही हैं। बढ़ते आपराधिक कानून पर तेजस्वी यादव ने डबल इंजन की सरकार पर साधा निशाना। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र और राज्य दोनों सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने ट्विटर के जरिए डबल इंजन की सरकार को घेरा है और बिहार सरकार से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में सत्ता संपोषित आपराधिक बेखौफ बेलगाम है। बिहार में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, ये बताने के लिए आपको कोई विश्लेषण ध्यान में आए तो बता दीजिएगा। अगस्त तक मोदी सरकार के गिरने के लालू यादव के दावे पर चिराग पासवान का पलटवार। राजद के स्थापना दिवस पर लालू यादव ने अगस्त तक मोदी सरकार के गिरने का दावा किया था। अब इस पर चिराग पासवान का पलटवार सामने आया है। चिराग पासवान ने कहा है कि राजद के कार्यकर्ताओं के रिझाने और फंसाने के लिए लालू प्रसाद यादव ऐसे बयान दे रहे हैं। चिराग ने कहा कि 5 साल में तो उनके कार्यकर्ता तैयारी कर नहीं पाए, कितनी सीटों पर चुनाव लड़े और कितनी सीट जीते ये सब जानते हैं। अपने कार्यकर्ताओं को उलझाए रखने के लिए लालू प्रसाद यादव इस तरह की बातें करते हैं। अभी अगस्त की बात किए हैं, फिर दिसंबर में बोलेंगे, फिर 1 साल और 2 साल कहेंगे और 5 साल तक अपने कार्यकर्ताओं को उलझाते रहेंगे। आगे उन्होंने कहा कि मोदी की सरकार 5 साल तक चलेगी और विकास के कार्य होंगे।
गिरिराज सिंह के तंज पर राजद का पलटवार, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जमकर बरसते दिखाई दिए हैं। गिरिराज सिंह ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार के पैर छूने चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार ने ही 2015 में उन्हें राजनीतिक जीवन दान दिया था और लालू व तेजस्वी फिर अगली बार 22 सीट पर अटकेंगे। आगे उन्होंने कहा कि तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ने ही बनाया था। वहीं गिरिराज सिंह के इस बयान पर राजद ने तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी खुद सत्ता के स्वार्थ में नीतीश कुमार के आगे नतमस्तक है। बीजेपी इस कदर नतमस्तक है कि प्रदेश अध्यक्ष ने पगड़ी भी नीतीश कुमार की खुशी के लिए उतार दी है। हार्दिक पांड्या ने बेटे के साथ मनाया जश्न, नताशा के नहीं रहने पर यूजर्स ने पूछे सवाल। T20 वर्ल्ड कप में जीत के बाद भारतीय टीम अब अपने परिवार के साथ जश्न मना रही है। मुंबई स्थित घर पर हार्दिक पांड्या ने भी जश्न मनाया। सेलिब्रेशन की कुछ तस्वीरें हार्दिक पांड्या ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर किए हैं। इस तस्वीर में हार्दिक पांड्या अपने बेटे अगस्त्या के साथ जश्न मनाते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा है, मेरा नंबर एक, मैं जो भी करता हूँ बस तुम्हारे लिए ही करता हूँ। इस तस्वीर में नताशा को साथ ना देखकर कई यूजर्स सवाल कर रहे हैं। नताशा को जश्न में साथ नहीं देखकर एक बार फिर से हार्दिक और नताशा के अलग होने की चर्चा भी शुरू हो चुकी है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है विनोद महात्मा, वेद प्रकाश सिंह, शंकर कुमार चौधरी, अमित कुमार, जितेंद्र ठाकुर, राजकिशोर महतो, बाबूलाल मरांडी, राजू कुमार, प्रमिला कुमारी, रवि कुमार राम, प्रियंका कुमारी, मधु झा, उमेश ऋषिदेव, मोहम्मद शकील, नौसाद रजा, अनवर करीम खान, राम बाबूदास। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके मुताबिक छोटे कारोबारियों के विकास के लिए राज्य सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।